सीबीआई का एक्शन कहां-कहां पहुंच रही है जांच की आज। आपको बता दें कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कई अधिकारी बताए जा रहे हैं, कई शराब ठेकेदार बताए जा रहे हैं और इसमें एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर के घर पर भी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्ण, वहां पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी, जिनके घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। वहीं से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज से क्या अपडेट मिल रहा है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं आनंद तिवारी के घर पर मौजूद हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे एक्साइज में, और इनका घर ये हरीशचंद्र माथुर लेन में है, लुटियंस जोन के अंदर इनका घर है। और जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर भी छापेमारी करने के लिए पहुँची है। सीबीआई की जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो अधिकारी हैं सीबीआई के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह ही एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि मनीष सिसोदिया के घर पर तो छापेमारी हो ही रही है, साथ ही साथ जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके घर पर भी सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सीबीआई की टीम है, डिप्टी कमिश्नर जो थे एक्साइज डिपार्टमेंट में आनंद तिवारी, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। यहां पर भी तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली के एलजी थे उन्होंने 11 एक्साइज के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और ये उन्हीं में से एक अधिकारी है जिनके घर पर सीबीआई की इस वक्त रेड चल रही है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर तो सीबीआई की रेड चल ही रही है, साथ ही साथ तमाम और जगहों पर भी रेड चल रही है। एक्साइज के अधिकारियों के घर पर रेड चल रहे हैं, इसके अलावा जो शराब के कारोबारी हैं उनके घर पर भी सीबीआई की रेड लगातार जारी है। ये आनंद तिवारी का घर है, जो बता रहे हैं कि एक्साइज विभाग के जो निलंबित अधिकारी थे उन्हीं में से एक हैं ये आनंद तिवारी, जो डिप्टी कमिश्नर पद पर थे जिस वक्त ये नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार लेकर आई थी, जिस पर बाद में यू टर्न लिया, और उनके घर पर इस वक्त ये छापेमारी। 3 से 4 सीबीआई के अधिकारी इस वक्त घर में मौजूद हैं। यहां पर भी क्या सुबह 8 बजे ही सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए 3 से 4 जो अधिकारी हैं सीबीआई के इस वक्त वो घर के अंदर मौजूद है। सीबीआई की टीम सुबह करीब 8 बजे जब मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची थी तब इनके घर पर भी पहुंची थी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। उन 11 अधिकारियों में आनंद तिवारी भी एक अधिकारी हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, उनके घर पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। इसके अलावा जो 11 और अधिकारी हैं उनके यहाँ पर भी सीबीआई की रेड लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।